सिद्धार्थनगर जिले में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं सहित जनपद मुख्यालय पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर अंबेडकर की प्रतिमा पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने माल्यार्पण कर संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। अंबेडकर जयंती के मौके पर सिद्धार्थनगर जिले से बसपा के घोषित प्रत्याशी और प्रभारी ख्वाजा शमसुद्दीन ने कई प्रोग्राम में शिरकत की। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दकी की रिपोर्ट। आज हमारे मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती है 133वीं। आज हम लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज नौगढ़ विधानसभा कपिल वस्तु में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसको हम लोगों ने उस पैगाम के बाबा साहब को आगे बढ़ाया है, लोगों के बीच में रखा है। जिस तरह से आज बाबा साहब का संविधान, जो प्यारा सा संविधान है उन्होंने भारत को दिया है, उस संविधान को लोग फॉलो करते हैं, संविधान को मानते हैं और आज भी पूरा हमारा भारत उस संविधान के हिसाब से चलता है। लेकिन इधर हमको लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं कि जो प्यारा संविधान है वो संविधान को टच ना करें, उस संविधान को बदलने की कोशिश ना करें, सोचें ना। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ के जो स्थानीय सांसद है जिन्होंने वादा किया था जनता से कि विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया, धोखा दिया, झूठ बोला। उनकी जमानत जब्त होगी और सीधी लड़ाई मेरी भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। निश्चित तौर पे कुछ लोग जो है गोरखपुर से आकर यहाँ पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभी मीडिया द्वारा पता चला है कि लिस्ट में उनका नाम आया है। यहाँ से वो बसपा का एक अपना फोर्म होता है, वोटों में बिखराव देखने को मिला, उसको समेटने के लिए क्या रणनीति तैयार की? देखिए, एक BSP के झंडा, नीला झंडा लेके एक हमारे देश और प्रदेश के अंदर बहरूपिया निकले हुए हैं रावण जी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं गोरखपुर से मैं MLA का चुनाव लड़ा था, तो वो भी चुनाव लड़ रहे थे, उनसे ज़्यादा वोट पाने का काम बहुजन समाज पार्टी और मैंने किया था। वो 6000 वोट पा के चौथे नंबर पर चले गए, तो मैं उनसे ज़्यादा वोट पाकर बहुजन समाज पार्टी का जो है परचम लहराया था। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं बिखराव नहीं है, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ से आफ्ताब आलम जी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उनको लगभग 3,96,000 समथिंग 4 लाख वोट मिला था। तो मेरा दलित समाज, मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी था और आज भी है। निश्चित तौर से सारे लोग दलित मुस्लिम के साथ साथ सौर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी।